हेलो एवरी वन दिस इज अ कंटिन वीडियो ऑन एमलगमेशन देखिए जो आज का वीडियो लेक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज जो हमने फर्स्ट टू लेक्चर वीडियोज देखे थे वो हमने काफ़ी बेसिक देखे थे हमने सिर्फ ये देखा था कि एमलगमेशन uh, जब भी कोई कंपनी मर्ज हो रही हो चाहे एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही हो चाहे एक ही कंपनी अपना नाम चेंज करके जो है कोई और किसी और नाम से जो है अपनी कंपनी चला रही है ठीक है बट uh, मतलब ये कह सकते है कि ओल्ड कंपनी जो डिजर्व कर रही है और न्यू कंपनी अब जो है वो चल रही है तो यही तो एम एल होता है बट जब कोई डील होती है यानी कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो ऑब्वियसली कुछ तो डील होती होगी तो अब तक हमने फर्स्ट टू लेक्चर में देखा था कि अगर कोई डील होती है तो वो किस अमाउंट पर दी है और उसी अमाउंट का हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड परचेज कंसेन राइट तो देखिए फर्स्ट लेक्चर में आपने अच्छे से सीख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसरेशन लेकिन अगर आप देखा रहे तो इस चैप्टर में क्या आप सबको सिर्फ, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कि डिटरमाइन डिटरमाइन दी डि, 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 दी पच्चीस कंसरेशन देखिए ये चैप्टर आपका जो है मतलब कम से कम बारह नंबर का आएगा ही आएगा राइट बारह का भी आ सकता है मैं तो कह रहा हूँ ट्वेंटी फोर का भी आ सकता है तो आपको रेडी रहना है तो अब आप बारह नंबर या चौबीस नंबर के लिए तो आपसे आप सिर्फ ये तो पूछेंगे नहीं गी कि भाई आप जो है पच्चीस कहते हैं कंसरेशन कैलकुलेट करो फ्री के नंबर तो मिलेंगे नहीं ठीक है तो इसमें देखिए आपको करना क्या है आपको पूरा एक इसमें प्रोसीजर करना होगा इन बुक्स ऑफ़ ट्रांसफर कंपनी एज वेल एज इन दी बुक्स ऑफ़ कंपनी राइट तो उनके बुक्स के अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट जब रिकॉर्ड होंगे वो हम आज पढ़ेंगे राइट right? देखिए वैसे तो देखो इसमें बेसिकली दो हैं, वो दो मेथड होते हैं लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ एक ही मेथड डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है बिकॉज़ मैं मेरा मानना है कि पहले आप एक मेथड अच्छे से समझ लो दूसरा मेथड आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा राइट सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथी क्वेश्चन नंबर एट ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल है कि हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं ए लिमिटेड एक्क्वायर्स बिजनेस एक्स वाई लिमिटेड हुज बैलेंस शीट एज एट 31 ऑफ मार्च 2023 एज फॉलोस शेयर होल्डर्स फंड ऑफ गिवन दैट इज शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस

कैपिटल मतलब रिजर्व 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 गिवन 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 है 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 वर्कमैन और लेकिन मानती है कि इस साल जो एक्सपेक्टेड लाइब्रेटी इन एडिशन कितनी हो सकती है दस हजार हो सकती है ये एक्सपेक्टेड लाइब्रेटी है राइट right? चलिए आगे फर्द क्वेश्चन पढ़ते हैं

Uh, मतलब देखिए पहले आप बताइए कि जो एक्स वाई लिमिटेड है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिचर्स कितने हैं वो ध्यान से देखो पहले आप लॉन्ग टर्म डिचर्स का अमाउंट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यही गिवन है और कंपनी क्या बोल रही है ए लिमिटेड क्या कर रही है ए लिमिटेड जो है सेम अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड का हंड्रेड के साथ यानी कि सेम सेम वही डिनोमिनेशन के साथ जो है कंपनी जो है पहले देखिए उसके कितने परसेंट डिवेंचर थे लिखा नहीं है लेकिन कंपनी किस पे दे रही है यहां पर फाइव रुपीज प्रीमियम पे दे रही है फाइव रुपीज प्रीमियम दे रही है देखिए पहले अमाउंट कितना था डेट इज टू फिफ्टी थाउजेंड अब उन्होंने क्या करा कि भी कंपनी करीब पांच परसेंट एक्स्ट्रा दे रही है तो फाइव परसेंट कितना दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट मीनस कंपनी कितना टोटल अमाउंट कंपनी यहाँ पर इशू कर रही है इनको दैट इज टू लैखी थाउजेंड फाइव हंड्रेड देकेंड पॉइंट फॉर ईच परिटेड रुपीज टेन इन कैश देखिए एक्स वाई लिमिटेड में टोटल कितने है?

फोर थाउजेंड यानी कि सेम ही फोर थाउजेंड और हंड्रेड ईच के हिसाब से जो है शेयर इशू कर रही है तो यानी कि यहाँ पर ये अमाउंट कितना आ जाएगा देखिए यानी कि प्रेफरेंस शेयर क्या क्या मिल रहा है फोर्टी थाउजेंड का तो कैश मिल रहा है एंड फोर की कंपनी यहाँ पर कर रही है प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है याद रखना पहले जो प्रेफरेंस शेयर था वो कितना था दैट इज़ नाइन परसेंट अब कंपनी यहाँ पर जो है टेन परसेंट है कंपनी क्या कर रहा डिविडेंड जो है यहाँ पर देखिए डिडेंट पहलेन परसेंट तो आप कंपनी कितना पे करेगी टेन परसेंट अकॉर्डिंग कंपनी ने पहले क्या करा प्रेफरेंट शेयर के कन्वर्ट कर दिया ठीक है और उनको कैश भी दे रही है और होल्डर को अपनी चार लाख है थर्ड पॉइंट फॉर ईच इक्विटी शेयर इन एक्स एव लिमिटेड रुपीज टू इन कैश ध्यान से देखिए इक्विटी शेयर देखिए कंपनी ने कितने इशू किए हुए थे वन लैक और रुपीज टेन ईच सो दैट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर को कैश कितना मिल रहा है दो लाख का कैश हो जाएगा और क्या मिल रहे हैं? ए लिमिटेड में यहाँ पर जो है इनकी फेस वाली कितनी रुपीज टेन बट कंपनी कितने, कितने पे है मार्केट पे कर रही है फिफ्टीन पे यानी कंपनी पांच रुपए एक्स्ट्रा कर रही है और एक्स्ट्रा मतलब क्या प्रीमियम हो गया

ट्वेंटी फाइव थाउजेंड देखिए यहाँ पर ए लिमिटेड कंपनी क्या बोलती है कि देखिए देखो का फ्री में तो होगा नहीं खर्चा तो लगेगा ही जब एक्स वाई लिमिटेड कंपनी जो डिजोल्व हो रही है तो उसमें खर्चा तो आएगा ना लेकिन एक्सपेंस एक्स किसको भी ये करना चाहिए एक्स वाई लिमिटेड कंपनी यानी जो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है लेकिन यहाँ पर ए लिमिटेड बोल रही है ठीक है हम लिक्विडेशन में आप जा रहे हो आप पर ज़्यादा है बटन ना हो तो हम हम आपके ब्याह पे जो है दस हजार रुपये तक का हम खर्चा हम कर देंगे सॉरी पंद्रह हजार का खर्चा हम कर देंगे अपनी तरफ से

तो एस एस किस पे लेगी एट मार्केट वैल्यू पे लेगी सीधी सी बात है देन लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन टू क्लोज द बुक्स ऑफ बाय लिमिटेड एंड पास एक्विजिशन ऑफ सॉरी एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड पे पेपरलाइजेशन अकाउंट्स अच्छा यह हम बाद में देखेंगे देखिए आपको आई गेस सब क्वेश्चन समझ आ गया होगा देखिए आपको पता है कि uh, हमने जो फर्स्ट टू लेक्चर वीडियोस अकेले हैं हमने देखे थे कि जब हम परचेस कंसोलिडेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमने देखिए अगर अगर ब्रॉडली साइंस की बात करें हमने दो मेथड पढ़ा थे एक पढ़ा था हमने नेट पेमेंट मेथड और एक हमने पढ़ा था दैट इज नेट एसेट मेथड एंड आई आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड मैंने आपको बताया था कि मोस्ट प्रेफरेबल जो मेथड है दैट इज को नेट पेमेंट मेथड राइट right? देखिए दो मेथड हैं तो क्या सर इससे दोनों मेथड से क्या आंसर अलग अलग, अलग है सर पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है नेट पेमेंट मेथड से पच्चीस कंसेशन अलग आ सकता है एंड नेट ऐसे मेथड से पच्चीस कंसेशन आ सकता है और सीधी सी बात है देखिए पच्चीस कंसेशन तो आपको एक ही लेना है देखिए आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम जो है बेसिकली नेट पेमेंट मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रीजन मैंने आपको बता ही दिया था राइट right? तो देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको ध्यान से बस आइडेंटिफाई करना है कि अगर मानीजिए मेथड गिवन नहीं है जो कि ऑब्वियसली कभी भी गिवन नहीं होगा आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि आपको पच्चीस कंसेशन कैलकुलेट कैसे करना है

तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आप नेट पेमेंट मेथड इजीली कर सकते हो क्यों सर आप सीधे सीधे सी बात देखो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड पॉइंट में आपको ये ऑनर्स होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर और इन दोनों को जो भी पेमेंट की जा रही है वो क्लियरली गिवन है क्लियरली गिवन है देखिए आप बस दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास पच्चीस कंसरे आ जाएगा राइट right? आप सॉल्यूशन देखिए पर ध्यान से देखिए मैंने निकाला दे है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसेशन प्रेफरेंस होल्डर पहले जा रहे हैं कैश दे रहे हैं कितना फोर्टी थाउजेंड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं कितने फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई हंड्रेड दैट इज फोर लैख देन इक्विटी होल्डर को कैश दिया जा रहा है कितना रुपीज टू पर शेयर अमाउंट कितना होगा टू लैख देन इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं प्रीमियम पे दिए जा रहे हैं तो अमाउंट कितना होगा पंद्रह लाख और टोटल अमाउंट कितना होगा दैट इज

तो एंट्री क्या हो जाएगी जो भी परचेज करते हैं क्या लिखते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन ऑफ लिक्विड और ये आपकी हमेशा एंट्री किससे होगी अमाउंट परचेज कंसड्रेशन से राइट अब आप समझ गए होंगे कि कि परचेज कंसड्रेशन का हमने इतना फर्स्ट रिलेशन पे इतना फोकस क्यों किया था क्योंकि आपको जल्द एंट्री में इसका अमाउंट तो लिखना ही था और इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते थे ठीक है तो पहले एंट्री आपकी होगी दैट इज बिजनेस अकाउंट डेबिट

भाई उन्होंने जो है ट्रांसफर कंपनी की जो है एसर्ट्स लाइबिटीज ली होगी तो वही करना है तो सारे एसेट्स को मैं क्या करूँगा डेबिट में लिख दूंगा सारे लाइबिस को मैंने क्रेडिट में लिख दिया सॉरी सारे लाइबिस को मैंने क्रेडिट में लिख दिया लैंड बिल्डिंग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था दस लाख री वैल्यू करके लिखी है वो लिखा है मैंने अमाउंट प्लांटेड मशीन जो है सिक्स लाख रुपीज़ के लिए है पेटेंट सिक्सटी थाउजेंड लिए याद रखें मैंने ये वैल्यू लिए वैल्यू लिए लिए आफ्टर रीवैल्यू यानी कि जो कंपनी परचेज कर रही है सारे एसेट्स वो किस पे लिए मार्केट वैल्यू पे लिए स्टॉक खरीदे उसने दो लाख रुपए के ट्रेड रिसीवेबल लिए उसने ढाई लाख इसके बाद डिबेंचर होल्डर ये आपका है दैट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम राइट वो लिखा इसके बाद ट्रेड पेबल भी लिए इसके बाद दैट वर्कमैन रिजर्व अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से लिखा हो पढ़ा हो तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि कंपनी ने सारे एसेट्स लिए एक्सेप्ट कैश इसलिए यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डेबिट में कैश नहीं लिखा वैसे कैश आता है ठीक है वैसे कैश आता है लेकिन यहाँ पर क्लियर लिख दिया तो इसलिए यहाँ पर कैश और बैंक मैं यहाँ पर डेबिट में नहीं कर सकता उसके बाद लाइब्रेरीज में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्यू ऑन डिबेंचर उसको छोड़कर के बाकी के सारे लाइब्रेरीज ले लिए हैं अगर आप लाइब्रेरीज की नजर देखो तो क्या, क्या गी होगा? उसको लाइब्रेज़ में क्या क्या गिवन होगा ओनर्स को छोड़ दो ओनर्स को छोड़ दे देखिए ओनर्स को का अमाउंट छोड़ दो क्या बचा लॉन्ग टर्म लाइब्रेरीज हैं ट्रेड लाइब्रेरीज हैं एंड ये आपका इंक्लूड करना ही नहीं है ठीक है तो आपके पास क्या बचा ढाई लाख और डेढ़ लाख ठीक है तो ढाई लाख और आपका जो डिबेंचर होल्डर हैं सॉरी ये चाहिए रहेगा मैंने देखा नहीं था तो ये भी है ठीक है तो ये भी करना है आपको तो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम हो गया देन डब्ल्यू सी का हो गया अब बिज, बिज, बिजन, बिजनेस बिजने पच्चीस यहाँ पर तो डेबिट किया हुआ था अब इसको क्लोज कर रहे हैं तो उसको मैंने क्रेडिट करा ठीक है अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको ये अमाउंट देखना है ऑब्वियसली देखिए आपका इसमें आपका हमेशा ये अमाउंट आपका मिसमैच होगा और आपको इसको मैच करना है किस तरह मैच करना है अगर मान लीजिए अमाउंट आपका कहते हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है जो कि इसमें आ रहा है ठीक है देखिए इसका अमाउंट आपका ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड का इसका मतलब क्या हो रहा है दैट जो 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 आपने जो बिजनेस अमाउंट लिखा वो ज्यादा किया हुआ है दैट आप कंपनी खरीद रहे हो उसका आपने अमाउंट ज्यादा दिया है उसके एसेट्स एंड को आपने कैलकुलेट किया उसके बाद भी आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे, रहे हो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों कर रहे हो बिकॉज उस कंपनी की अपनी एक गुडविल है इसलिए आप उसका जो है अमाउंट ज्यादा पे कर रहे हो तो गुडविल आपके लिए जो जो कंपनी कर रही है उसके लिए लॉस है

भाई हम बैंक अकाउंट से तो कितनी पेमेंट कर रहे हैं फोर्टी थाउजेंड एंड टू लाख तो बैंक अकाउंट में कितना हो जाएगा टू लाख फोर्टी थाउजेंड प्रेफरेंस शेल्डर को कितनी पेमेंट कर रहे हैं चार लाख की इक्विटी शेल्डर को दस लाख की ठीक है और सिक्योरिटी स्प्रीम कितना आ जाएगा पाँच लाख वैसे इक्विटी शेल्डर को कितनी पेमेंट कर रहे थे पंद्रह लाख कर देना तो दस दस लाख तो पेशा लिए बाकी पाँच लाख सिक्योरिटी स्प्रीम में तो देखिए आपने अब अपने फर्स्ट एंट्री को जो आपने ओपन किया था उसको हमने क्लोज कर दिया बाकी दो एंट्रीज हैं राइट right. इसके बाद क्या करना है क्लास आपको इसके बाद आपको जाना है एडिशन इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिखना है कि एडिशन इफॉर्मेशन क्या क्यों थी देखिए डिबेंचर होल्डर को कन्वर्ट करके दिया था तो उसकी भी एंट्री होगी तो यहाँ पर देखिए एंट्री करी मैंने डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू नाइन परसेंट डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम राइट तो ये एंट्री होगी आपकी इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए लास्ट में लिखा होता है कि यहाँ पर ए लिमिटेड कंपनी यानी कि जो ट्रांसफ्री कंपनी है वो लिक्विडेशन के प्रोसेस के लिए जो है कंपनी यहाँ पर पंद्रह हज़ार का खर्चा कर रही है राइट right. तो इसका मतलब एंट्री कर देंगे यहाँ पर गुडविल क्यों किया जब हम आ, अगर आप एलेवंथ में करें या फिर ट्वेल्थ में करें हम क्या करते थे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते थे और फिर पेमेंट करते थे बैंक से कैश से या फिर अगर पेमेंट नहीं करी तो फिर हम कहते हैं क्रेडिटर का नाम लेते थे यही करते थे और आपने सर यहाँ पर नहीं एंट्री कर दी यहाँ पर गुडविल लिख दिया ऐसा क्यों करा वो इसलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड एंट्री पर आपको देखना है सेकेंड एंट्री में आपका लॉस किस से क्रिएट हुआ गुडविल से ये लॉस है और जो कंपनी यहाँ पर लिक्विडेशन प्रोसेस में जो भी लॉस भी करेगी वो हमेशा गुडविल से सेटअप होगा अच्छा सर अगर सेकेंड एंट्री में यहाँ पर कैपिटल रिजर्व होता तो यहाँ पर मैं कैपिटल रिजर्व भी लिख सकता था लेकिन याद रखना दोनों में से हमेशा एक ही आएगा अगर सेकेंड एंट्री में गुडविल है तो आप यहाँ पर गुडविल लिखोगे सेकेंड एंट्री में अगर कैपिटल रिजर्व होता है तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व डेबिट करते हैं। दोनों नहीं आ सकते सीधी सी बात है एक ही बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल दोनों तो आने पॉसिबल नहीं है और अगर मान लो उनको लाना भी होता तो हमें एक अननेसेसरी एडिशन जनट्री पास करनी होती तो हमें करना है क्यों हम सीधी सी बात है हम तो एक ही एंट्री पास करेंगे अगर सेकेंड एंट्री में गुडविल होगा तो हम गुडविल लिख देंगे सेकेंड एंट्री में अगर कैपिटल रिजर्व होगा तो हम कैपिटल रिजर्व से डेबिट कर देंगे दैट्स इट कितना खर्चा करा था उसने अच्छा यहाँ पर मैंने शायद अच्छा कोई एक्चुअली यहाँ पर ना टेन थाउजेंड ही होगा इंस्टेड फिफ्टीन थाउजेंड यहाँ पर टेन थाउजेंड ही होगा तो यहाँ पर टेन थाउजेंड हो गया बस उसके बाद देखिए एंट्री गुडविल अकाउंट हो गई गुड विल एक लिमिटेड उसके बाद इसको डेबिट करा और फिर बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी दैट्स इज सिंपल राइट सो आई गेस आपको देखिए क्वेश्चन नंबर रेट समझ आ गया होगा आपको बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान से एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या क्या बने सबसे पहले आपको ढूंढना है कि भी परचेज कंसिडरेशन आपको किस मेथड से डिटरमाइन करना है एक बार आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया पहले आप उसकी बुकिंग नोट में परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन कर लो इसके बाद देखना है आपको भी ट्रांसफ्री कंपनी के बुकिंग अकाउंट में क्या क्या कर करना है तो ऑब्वियसली ट्रांसफ्री कंपनी यानी कि न्यू कंपनी है तो उसके बुक अकाउंट में सारी जन एंट्री पास कर रहे हो तो पहले एंट्री क्या हो जाएगी वो बिजनेस परचेस कर रहा है तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेशन कंपनी इस इसके बाद आपको क्या करना है सारे एडस को टेकओवर कर रहा है अब देखना है कि डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो गुडविल क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व दैट्स इट इसके बाद देखना है कि कंपनी का किसी को कन्वर्ट करके दे रही है चाहे वो डिपेंचर होल्डर को हो ठीक है एक्स्ट्रा किसी को पेमेंट कर रही हो कुछ भी हो रहा हो तो वो हम वो सब भी करेंगे चलिए नाइन क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके और क्लियर हो जाए दी अब्रिज बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन ट्वेंटी थ्री अच्छा ये सारे आपको अमाउंट ना थाउजेंड्स में गिवन है थाउजेंड्स में गिवन है शेयर कैपिटल देखिए ये अच्छा मैंने लिखना भूल गया यहाँ पर ये जो है आपका ये है पी लिमिटेड और ये है एस लिमिटेड मैं यहाँ लिख देता हूँ पी लिमिटेड लिमिटेड। एंड एस शेयर कैपिटल्ट देखिए पी लिमिटेड एट थाउजेंड एस में फोर थाउजेंड रिजर्व गिवन आपको लॉन्ग टर्म लाइव सिर्फ और सिर्फ आपको एस लिमिटेड में गिवन है, ट्रेड लाइव गिवन आपको एस में में है, ऑल राइट यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर्स कितने रुपीज टेन ईच हैं टेन परसेंट और रुपीज हंड्रेड ईच हैं कुछ रिजर्व भी गिवन है राइट एडिशन में कुछ पढ़ते हैं पी लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड फर्स्ट पॉइंट पी लिमिटेड विल इशू थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर सौ रुपीज एट पार टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड देखिए यहाँ पर कंपनी ने साफ साफ बोल दिया क्योंकि यहाँ पर जो है देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कंपनी के तीस लाख अमाउंट है यहाँ पर डिवाइडेड बाई टेन करेंगे तो टोटल कितने शेयर से तीन लाख थे लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंपनी यानी जो ट्रांसफरी कंपनी है वो बोल रही है कि हम जो है इनको साढ़े तीन लाख इक्विटी शेयर्स देंगे वो भी दस रुपए के से कंपनी को इधर से जो ट्रांसफर कंपनी है उनके शेयर होल्डर को जो है फिफ्टी थाउजेंड शेयर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये अच्छी बात है देन इशू अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टेन दैट इज इक्वल टू थर्टी फाइव लाइफ सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखा तो तो है पी लिमिटेड एट पार टू होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड तो यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस होल्डर प्रिफरेंस यहाँ पर टेन परसेंट थे लेकिन यहाँ पर अमाउंट कितना था वन थाउजेंड था वन थाउजेंड का मतलब यहाँ पर कितना अमाउंट था टेन लाख था टेन लाख डिवाइड बाई अगर हंड्रेड करेंगे फेस होल्ड से तो कितने शेयर्स निकल आएंगे यहाँ पर दस हजार और यहाँ पर पी लिमिटेड कंपनी एस लिमिटेड कंपनी के प्रेफरेंस होल्डर्स को इलेवन थाउजेंड प्रफरेंश दे रही है तो यहाँ पर अमाउंट कितना रहेगा तो टोटल कितनी पेमेंट की जा रही है फोर्टी सिक्स लैख थर्ड पॉइंट द डिवेंचर होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड विल बी कन्वर्ट इन टू इक्विटी नंबर ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिवेंचर्स ऑफ एन ये इक्विटी नहीं होगा सॉरी इक्वल होगा कि सेम डिबेंचर्स यानी कि कंपनी यहां पर बस कंपनी ने क्या करा अगर देखा जाए तो कंपनी जो ट्रांसवरर कंपनी थी उनके जो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स है वो कितने थे वो बारह परसेंट डिवेंचर्स थे ढाई लाख रुपए के थे यहां पर बस कंपनी ने कन्वर्ट कर कर दिया साढ़े बारह परसेंट कर दिया बाकी अमाउंट और सब कुछ सेम है आगे लिखा हुआ है यू आर इन्फॉर्म दैट स्टेचुटरी रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर द नेक्स्ट मेंस देखिए अगर देखा यहां पर कंपनी के पास यहां पर स्ट्रेटोरी कंपनी थे दोनों के पास कंपनी बोल रही है अब ये कंपनी जो टेक ओवर कर रही है ऐसा रिजर्व, रिजर्व, रिजर्व जो बाय लो बने बाय लो बने और इनको कंपनी कर रही है दो साल तक इनको रिटेन करना होगा दो साल तक इनको रिटेन करना होगा देखेंगे इसको कैसे करेंगे बस बाकी तो अब हम करें अब बस हम देखेंगे सॉल्यूशन देखिए अगर हम पहले क्या पर्चेसिक्स लाइक यहाँ पर इजी था को कोई दिक्कत ही नहीं थी जन इंट्री बुक्स ऑफ पी लिमिटेड पहले होगी बिजनेस राइट आप देख सकते हो क्लास इस क्वेश्चन में यहाँ पर लाइव को रिवेल्यू नहीं किया तो हम क्या करेंगे जो भी एसर्ट्स एंड की गिवन थी बस वही देंगे यो जगह को फोर्टी सेवन लाख थर्टी थाउजेंड हो जाएगा को नाइनटीन लाख सेवेंटी थाउजेंड करेंट कैश गिवन नहीं है इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं है तो प्रॉपर्टी हो गया और एसेट्स हो करंट एसेट्स हो गए लाइबी की तरफ जाए यहाँ पर क्लास तो लाइबी पर टू लाख फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा एंड ट्रे लाइबी लाख नाइनटी थाउजेंड तो यहाँ पर देखिए मैंने डिवेंचर होल्डर सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने डिवेंचर होल्डर लिखे ढाई लाख के नाइन लाख नाइन्टी थाउजेंड हो गया बिजनेस कितने में खरीदा चालीस लाख में अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो है बैलेंस फिगर आपकी क्रेडिट साइड मारी है

एडिशन इन्फॉर्मेशन में कुछ गीवर ही नहीं है तो क्या कर सकते थे कुछ गिवन नहीं है राइट आपको तीन ही तो एंट्री, थी। उसके एंट्री कर दी राइट सो देखिए पे ये क्वेश्चन नंबर था देखिए सॉरी सवर, तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका एट एंड नाइन यस एट एंड नाइन तो देखिए क्लास आ, ये भी क्लास आपकी थोड़ी बेसिक बेसिक थी बिकॉज बट ये इंपॉर्टेंट भी थी बिकॉज अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं दिखा हुआ तो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का बेसिक कंसेप्ट समझ ही नहीं सकते राइट right? तो ये थोड़ा सा एडिशन कंसेप्ट है ताकि आपको पता चले कि जनरल एंट्री कैसे की जाती है सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल थैंक यू